मप्र के सीएम राइट स्कूलों में शिक्षक व छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप। सीएम राइट स्कूलों में शुरू किया जाएगा एनसीसी संगठन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम राइट स्कूल स्कीम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पक्ष को और बेहतर बनाने के लिहाज से इन स्कूलों में स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को लैपटॉप भी दिए जाएंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग बल्क में लैपटॉप खरीदी की तैयारी कर रहा है। इन सीएम राइट स्कूलों में आईटी सेल का अलग से स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसके लिए आईटी फील्ड में परफेक्ट टीचर्स और प्रोफेशनल्स की भर्ती भी की जाएगी। इसकी भी तैयारी की जा रही है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शुरुआत में 350 स्कूलों में लैपटॉप देने की तैयारी की जा रही है। अभी यह तय किया जा रहा है कि कितने स्टूडेंट के बीच एक लैपटॉप शेयर किया जाए। स्कूलों की स्मार्ट क्लासेस के लिए भी लैपटॉप की जरूरत के हिसाब से प्रेजेंटेशन तैयार किया जा रहा है। इन स्कूलों में बेहतर एनसीसी कैडेट्स भी तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनसीसी का विस्तार जरूरी है, इसलिए हमने सीएम राइट स्कूलों में इसे शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 360 सीएम राइट स्कूल हम इस साल खोलने वाले हैं। इन स्कूलों में एनसीसी होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान शनिवार को मुख्यमंत्री निवास परिसर में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के एनसीसी विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के दो प्रदेशों के प्रतिभागी छात्र छात्राओं को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एनसीसी निदेशालय द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश में सीएम राइट स्कूलों में शुरू किया जाएगा एनसीसी संगठन। अब सीएम राइट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी मिल कर सकेंगे एनसीसी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनसीसी का विस्तार जरूरी है, इसलिए हमने सीएम राइट स्कूलों में इसे शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 360 सीएम राइट स्कूल हम इस साल खोलने वाले हैं। इन स्कूलों में एनसीसी होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया एनसीसी का महत्व और क्या कहा छात्रों के लिए, जाने पूरी खबर। सीएम से जाने एनसीसी के फायदे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि एनसीसी संगठन छात्र छात्राओं में राष्ट्र सेवा का जज्बा बढ़ाता है, उन्हें बेहतर मनुष्य बनाता है। इस संगठन से जुड़कर विद्यार्थी सन्मार्ग पर चलते हुए समाज सेवा सहित उच्च आदर्शों की स्थापना करते हैं। एनसीसी कैडेट्स कठिन परिश्रम प्रशिक्षण से देश की सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात एनसीसी का अर्थ देशभक्ति, अनुशासन, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, समाज और देश के लिए जीवन समर्पित करना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एनसीसी के प्रति मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सबसे पहले इसका नाम ध्यान में आया। कोरोना संक्रमण से लोगों का जीवन बचाने में एनसीसी कैडेट्स ने समर्पित भाव से सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। एनसीसी की उपलब्धियों पर प्रदेश को गर्व है। उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षित करने वाले अधिकारियों को साधुवाद दिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, 360 सीएम राइट स्कूल हम इस साल खोलने वाले हैं। इन स्कूलों में एनसीसी होगी। हमारे एनसीसी के बच्चों ने जो उपलब्धि हासिल की है, उसके लिए मैं आपको बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।